ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल लग रही है ना, बिल्कुल भंडारे वाले, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है और बन भी फटाफट गई है। ना ही हमें काटने में टाइम वेस्ट करना पड़ा, ना ही कुछ, फटाफट लिया और सब कुछ डाला और ये हमारी सब्जी तैयार हो गई। आप भी इस तरह से एक बड़ी सब्जी ज़रूर बना कर देखें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना तो है ही आसान। नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भंडारे वाली आलू की सब्जी, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, ना लहसुन ना प्याज, और फिर भी इतनी टेस्टी सब्जी बनी है कि हर बार आप इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। फटाफट आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुकर में तेल डाला है, ये हमने एक बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो आप डालेंगे अपने खड़े मसाले, खड़े मसाले अपने अनुसार आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बड़ी इलायची ली है, काली मिर्च, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री और दो है लौंग, इनको हम डाल देते हैं। साथ में लेंगे दो तेज पत्ते और इसको थोड़ा सा भुनने देंगे। अब डाल देंगे हम एक चम्मच जीरा, तो हमारा जीरा भुन गया है। हम यहाँ डाल देंगे एक चम्मच, ये धनिया है, इसको हमने दो टुकड़ों में कर लिया है, सूखा धनिया है साबुत वाला, इसमें एक चम्मच डाल देंगे सौंफ। फिर हम डाल देंगे हरी मिर्ची जो हमने चीरा लगा दिया था। अब हम डाल देंगे टमाटर, ये हमने तीन टमाटर को दो हिस्सों में काट कर रख लिया है, सीधा हम टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर डाले हैं तो इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच नमक डाल रहे हैं। इसी समय डाल देंगे हम अपने आलू, ये हमारे साबुत आलू है, इनको हम मिक्स कर देंगे। इसमें डाल देंगे घी, अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डाल देंगे। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ये तीखी वाली लाल मिर्ची, को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, ये तीखी नहीं होती, इससे सब्जी में कलर अच्छा आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें पानी, यहाँ हमने 750 ग्राम आलू लिए थे। अब हमने यहाँ दो ग्लास पानी डाल दिया है, हम इसमें एक ग्लास पानी और डाल देते हैं। अब हम इस कुकर को बंद कर देते हैं और इसमें चार सीटी आने देते हैं। यहाँ हमारे कुकर में चार सीटी आ गई थी, इसकी प्रेशर भी निकल गया। अब हम अपने कुकर को खोल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो फटाफट तो बनेगी, साथ में स्वादिष्ट भी बहुत बनेगी। और जो टमाटर के छिलके हैं उनको हम निकाल कर अलग कर देते हैं, ऐसा करने से टमाटर अच्छे से घुल भी जाएंगे, उबलने से इसका छिलका अलग हो गया। अच्छे हम सारे टमाटर के छिलके निकाल देंगे और फिर से गैस ऑन कर देंगे। आप चाहे तो खड़े मसाले इसमें से निकाल सकते हैं। इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे तो हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे। इस समय हम डाल देंगे एक चम्मच कसूरी मेथी और इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे। हमने आलूओं को छील के डाला है, आप चाहे तो इसको बिना छीले भी डाल सकते हैं, पर जैसा घर वाले पसंद करें हम वैसा ही बनाएंगे। तो हमारे घर वाले छिलका पसंद नहीं करते, तो आप
जैसा आपके परिवार वाले छिलका पसंद करते हैं तो आप छिलके समेत उसको बना सकते हैं, उससे भी ये स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम उसको भून लेंगे। इसी समय डाल देंगे हम थोड़ा सा सब्जी मसाला। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, अगर ना हो तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाए और हमारी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। हमने इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से टमाटरों को मैश कर लिया है। अब हम अपने आलू को फोड़ लेते हैं। आप चाहे तो पोटैटो मेजर से फोड़ सकते हैं, पर मैं अपने चम्मच से ही तोड़ रही हूँ क्योंकि हमें बिल्कुल मैश नहीं करना। थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका खड़ा रखना है, थोड़ा सा इसको बिल्कुल ही मैश करना है। इस तरह से स्पैचुला से इस दबाते हुए हम अपने आलूओं को तोड़ लेंगे। ये अपने आलूओं को लगातार चलाते हुए, ये देखिए हमने कुछ आलूओं को थोड़ा बड़ा रखा है, कुछों को बिल्कुल छोटा कर दिया है। इसी तरह से मिलते हैं ना भंडारे वाले आलू, तो आप भी इसी तरह से करना। अब हम अपने आलूओं को और इस पानी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसको लगातार थोड़ी हाथ तेज आंच में पका लेंगे। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच भरकर, ये है अमचूर पाउडर, और इसको मिला देते हैं। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। हमने अपने आलू को लगातार चलाते हुए और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लिया। बीच बीच में हमने चला भी दिया था। ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब गैस कर देंगे हम बंद और अब डालेंगे गरम मसाला और इसको मिलाकर हम इसको ढक देंगे। इसको और भी अच्छा टेस्ट बनाने के लिए हम इसके लिए एक तड़का बनाते हैं। यहाँ हमने गैस पर एक तड़का पैन रखा। तड़का पैन में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। घी हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे हींग। हींग हमने पहले भी डाल दी थी और अब डालेंगे तड़के में तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा आएगा। साथ में डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च, 3 सॉरी, उनको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और गैस कर देंगे बंद। देखो अपने आलू की सब्जी में भेज देते हैं, फटाफट ढक्कन लगा देते हैं। इस तरह से तड़का लगाने से हमारी सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा तेल घी नहीं चाहिए तो आप इस तड़के को हटा सकते हैं। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना हरा धनिया। इसको मिक्स कर देते हैं। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो जब भी कभी सब्जी बनाए तो इस तरह से जरूर ट्राई करें।